हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेड डीजी क्लासेस में। आज हम क्लास 10 विज्ञान करने वाले हैं, चैप्टर वन करने वाले हैं, अध्याय एक करने वाले हैं, जो है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आज इस जो चैप्टर वन है, इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर नहीं करने वाले हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो सारे ऑब्जेक्टिव हैं, MCQ क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर आपको जितने भी नज़र आएंगे, जितने भी मैंने यहाँ इसमें करवाने वाले हैं, वो सारे कभी ना कभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में जितने भी पॉसिबिलिटी है पूछने के, वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो ये जितने भी आप क्वेश्चन इस चैप्टर में देखोगे, इस वीडियो में देखोगे, वो सारे क्या है, VBI हैं। तो इनको आप रट लो अगर एग्ज़ाम में आपको पास करना है। तो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए क्या है, आपको जितने भी मेरे पॉसिबिलिटी जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है, वो सारे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। साथ में ये जितने भी क्वेश्चन है, अगर आपको एक नंबर या दो नंबर में पूछे जाते हैं, तो उनमें भी ये जो क्वेश्चन आप यहाँ पर करने वाले हैं, ये आपको देखने के लिए उनमें भी मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इन्हें एक नहीं दो बार आप ज़रूर वीडियो को देखें, ताकि क्या है, आपको याद करने की दोबारा ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और साथ ही क्या है, आप अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, साथ में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं, श्वसन। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो श्वसन है वो क्या है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये आपको बताना है। देखो, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो क्या होती है, अगर आप एक बार अगर बुक या चैप्टर को पढ़े हुए हैं, तो आपको क्या है, आंसर आपको याद नहीं, लेकिन आपको अगर कोई हिंट दे तो वो क्या होता है, आपको याद हो जाता है। वैसे ही ऑब्जेक्टिव है, अगर एक बार आप बुक पढ़े हैं या चैप्टर पढ़े हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये आपको आंसर का हिंट दे रहा है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये चीज़ ये होगा, है ना। तो ये ना बनने वाली चीज़ है ही नहीं, ठीक है। तो एक बार चैप्टर ज़रूर पढ़ लें। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं आज का। क्वेश्चन वन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ को आप चार ऑप्शन देखेंगे, नंबर ए उष्माक्षेपी, बी है संयोजन, और सी है अपचयन, और डी है उष्मा शोषी। तो यहाँ पर आपको राइट जो आंसर है, ठीक है, राइट जो आंसर है आपका, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उष्मा छेपी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, उष्मा छेपी। ठीक है, श्वसन जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, उष्मा छेपी अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर दो में पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है आपका, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। ठीक है, जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल होता है, उसका रंग कैसा होता है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर भी आपको चार ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन इसमें से जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, हरा। ठीक है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो है, उसका रंग होता है हरा। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, वो क्या होता है आपका, हरा कलर होता है। तो ये बात आप याद कर लीजिएगा, ताकि क्या है, कभी भूलने की नौबत ना आए। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर जो तीन पूछ रहा है, वो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन बोल रहा है कि शाक सब्जियाँ है ना, सॉरी शाग होगा, ठीक है, यहाँ गा होगा, है ना, गलती से क्या हो गया है, का लिखा गया था, आप गा बना देना। शाग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो नीचे आपको यहाँ पर चार ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, चार ऑप्शन में कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके जल्दी से बता दो कि इसमें से राइट आंसर कौन सा है। ठीक है, तब तक मैं क्वेश्चन आंसर आपको ऑप्शन पढ़ के बता देता हूँ। जो नंबर वन जो आपको देखने के लिए मिलता है, नंबर एक, वो क्या है, उष्मा शोषी। नंबर बी है उष्मा छेपी, और सी है अभयगामी, और क्या है, उभयगामी, और डी क्या है आपका, प्रतिस्थापन, है ना। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये आपको बताना है कमेंट करके, जल्दी बताओ फटाक से। तो चलो मैं बता देता हूँ, ये क्या है आपका, उष्मा छेपी। ये भी क्या है आपका, उष्मा छेपी। ठीक है, यहाँ उष्मा छेपी का दो हम लोग देख चुके हैं, पहला क्या देख लिए हैं, श्वसन, है ना, श्वसन उष्मा छेपी है, और प्लस में आपका क्या हो गया, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, वो भी क्या है आपका, उष्मा छेपी है। चलिए नंबर चार देखते हैं, नंबर चार क्या पूछ रहा है। ठीक है, दो नंबर चार जो है काफ़ी इजी क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है, लाल, ठीक है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर चार पढ़ते हैं। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहन प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? ठीक है, तो जब भी हम क्या करेंगे, लाल तप्त आयरन पर, है ना,
यहाँ क्या लाल तप्त आयरन से मतलब है, जैसे आपका क्या है एक लोहा लेते हैं ठीक है, उसको जब हम गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है लाल हो जाता है ठीक है, वही उसी का मतलब हो गया लाल तप्त आयरन ठीक है। उसमें क्या करेंगे हम पानी डालेंगे, क्या करेंगे पानी डालेंगे। जब हम पानी डालते हैं उसमें तो आपको बताना है कि वो क्या करेंगे, जब पानी हम डालेंगे तभी वो उसमें क्या होता है, कौन सा यौगिक है ना, कौन सा यौगिक प्राप्त होता है ये आपको बताना है ठीक है। तो यहाँ पर देखो लाल तप्त आयरन, आयरन का फॉर्मूला क्या होता है Fe होता है ना, तो Fe से आयरन होता है ये तो हमको पता है, तो सब में Fe लगा हुआ है ना, सब में Fe लगा हुआ है यानी कि वो ये चारों में Fe लगा है यानी कि चार सही होगा। अब यहाँ पर सेकेंड देखते हैं क्या है, जलवाष्प ठीक है। अब जलवाष्प में क्या क्या होता है सो पहले बताओ, जलवाष्प यानी कि जल का फॉर्मूला क्या होता है H2O होता है ठीक है। अब H2O होता है तो अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, जब हम जल डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा ऑक्साइड बनेगा ठीक है, उसका ऑक्साइड बनेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा O चल जाएगा F के पास, यानी कि हमको O ढूंढना है कि किस में O है ना। तो यहाँ पर देखेंगे पहला में O है, दूसरा में भी O है, तीसरा में भी O है और D में O नहीं है, तो ये अपना ऑप्शन हो गया गलत। अब यहाँ पर अपना तीन ऑप्शन आते हैं ठीक है, कितना ऑप्शन आते हैं तीन ऑप्शन आते हैं, तीन ऑप्शन में आपको चेक करना है कि कौन सा होगा। तो इस टाइप से आप क्या होता है आपको तो आपका क्या है इसमें जो बनेगा ठीक है जो भी यौगिक बनेगा वो क्या होगा आपका, उसमें क्या करना है ऑक्सीजन में हमको देखना है चार अणु किस में है ना। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर आपका दिखता है चार अणु वाले, तो यहाँ पर हो जाएगा Fe3 और O4 ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है ठीक है। तो ये बताना है आपको कि नंबर 5 बताना है कि क्या होता है ना, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है, जब सोडियम क्या करता है जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, तो ये आपको बताना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको फॉर्मूला पता ही होगा है ना, सोडियम का क्या होता है Na होता है ना, तो यहाँ पर सब Na है। तो यहाँ पर देखो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको कि क्या होता है, देखो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ठीक है, वो जिंक से जब अभिक्रिया करेगा तो कौन सा क्या बोल रहा है कौन सा उत्पाद बनाता है। तो यहाँ पर देखो H क्या हो गया, सब में भी अलग करके दिया हुआ है ना, उसमें ऊपर क्या है H नहीं दिया था लेकिन इसमें दिया हुआ है हाइड्रोजन दिया हुआ अलग से, तो हमको ये साथ में बताना है कि कौन सा होता है। नंबर ऑप्शन नंबर ए देखते हैं कि क्या बोल रहा है, N2 है ना, ऑप्शन नंबर में क्या बोल रहा है Na2 ZnO प्लस H2O। नंबर बी देखो NaZnO2 प्लस H2। नंबर सी है NaOZn ZN2 प्लस H2 और नंबर डी है Na2ZnO2 प्लस H2। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी Na2ZnO2 प्लस H2 ठीक है। ये आपका बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक से अभिक्रिया करता है तभी क्या होता है आपका ये बनता है आपका ये उत्पाद जब भी पूछेगा तो हम लोग क्या बता देंगे कि ये बनता है ना Na2ZnO2 ठीक है। नीचे कमेंट करके मुझे ये बताना कि जो शुगर होता है चीनी का है ना, चीनी का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको बताना है नीचे कमेंट करके। तो नीचे उम्मीद है कि आप कमेंट ज़रूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बोल रहा है दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है। जब देखो दूध से दही जो बनेगा ठीक है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ये दो चीज़ आपने पढ़े होंगे। क्या चीज़, एक भौतिक हो गया दूसरा क्या हो गया रासायनिक, ये दो चीज़ें आप पढ़े होंगे कि ये अभिक्रियाएँ कैसे बनती है। अगर आप नहीं पढ़े तो थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया उसको बोलते हैं है ना, क्या किसको बोलते हैं कि जब भी कोई चीज़ है ना, जैसे कुछ है वो क्या हो गया वो चेंज हो गया किसी और चीज़ में और वापस अगर हम रीचेंज अगर करते हैं उस चीज़ में तो क्या होता है आपका भौतिक होता है। लेकिन क्या है अगर हम इसको चेंज कर दें किसी और चीज़ में और वो वापस इस चीज़ में चेंज नहीं होता है तो वो क्या होगा रासायनिक अभिक्रिया है ना, तो वो क्या होगा आपका रासायनिक अभिक्रिया होगा। यानी कि पानी से ठीक है, पानी से अगर बर्फ़ बनता है तो बर्फ़ को पिघला के वापस हम पानी बना सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका भौतिक अभिक्रिया होगा। लेकिन रासायनिक क्या है, वो ऐसा चीज़ जिसको हम जैसे जला दिए ठीक है, लकड़ी को जला दिए वापस क्या लकड़ी बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं, वो हो गया रासायनिक अभिक्रिया। तो दूध से अगर दही बन गया तो क्या दही से वापस दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका रासायनिक अभिक्रिया है ना। तो ये राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है बिना ज्वाला। सवाल ये है कि ज्वाला क्या होता है ना, ज्वाला क्या होता है ये आपको जानना है कि ज्वाला होता क्या है, तभी तो आप बता पाओगे कि वो क्या चीज़ है ना।
आपको बताना है कमेंट करके कि ज्वाला क्या होता है, ठीक है। ये काफ़ी इजी है, मैं अगर आपको नहीं बता पाओगे तभी मैं क्या कमेंट में नीचे आपको बता ही दूंगा कि ज्वाला क्या होता है, लेकिन ये आपको नीचे बताना है कि ज्वाला क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होता है, जो क्या होता है, कौन सा पदार्थ बिना बिना ज्वाला के जलता है, ठीक है। मोमबत्ती जो है, मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलता है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, मोमबत्ती हो गया, है ना। जब कैंडल हम जलाते हैं तो कुछ ऐसे करके ज्वाला निकलता है, निकलता है ज्वाला, है ना। तो यहाँ पर देखो, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ आपको कि ज्वाला किसे बोलते हैं, ठीक है। कैंडल जो होता है, ये आपका क्या है, कैंडल है ना, कैंडल है। यहाँ पर क्या होता है उसका, थोड़ा सा निकला हुआ रहता है ना, रस्सी टाइप में, धागा टाइप में, है ना, वो है आपका, पता नहीं अभी मुझे याद नहीं उसका नाम, ठीक है। ये धागा टाइप में, तो ये जो आग दिख रहा है, ठीक है, आग जो ऊपर जलता है वही हो गया ज्वाला, है ना। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ज्वाला बोलते हैं, ठीक है। तो किरोसिन, जब किरोसिन को हम जलाएंगे, ठीक है, किरोसिन की जलाएंगे तो ऊपर क्या है, आग उसमें भी लगेगा, है ना, आग ऊपर जलता है। मीथेन गैस भी जलाते हैं तो उसमें भी जलता है, मोमबत्ती में जलता है, लेकिन कोयला, कोयला जब भी हम लोग जलाते हैं ना तो उसमें क्या है, ऊपर उसका मतलब आग ऊपर नहीं निकलता है, बस वो क्या होता है, लाल टाइप में लाल हो जाता है अंदर ही अंदर, है ना। और क्या होता है, वो जलता है उसी में, और आपको उसी में काफ़ी सारे हीट मिलेंगे, है ना, बहुत ज़्यादा हीट मिलता है, जिसके कारण आपका कुछ भी आप करना चाहें, खाना पकाना चाहें, या फिर और भी इंडस्ट्री में यूज़ होता है, तो वहाँ पर आपका यूज़ हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका कोयला ऑप्शन हो जाएगा, है ना, जिसमें क्या होता है, आग बाहर नहीं आती, वो दिखेगा, बाहर आते हुए नहीं दिखेगी, ठीक है। तो चलिए नंबर 8 देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। नंबर 8, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी, कोयला, ठीक है। और अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करना, मैं फिर से बता दूंगा इसके बारे में, एक अलग से लेके आऊँगा, है ना, उसमें बता दूंगा। ये आपका, आप ज्वाला वाला देखे होंगे क्लास 8 में, क्लास 8 जब साइंस पढ़े होंगे तो उसमें कैंडल का दिया होगा, उसमें काफ़ी अच्छे से बताया गया है ना। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं आपको क्या है, अलग से इसका एक वीडियो लेकर आऊँगा, काफ़ी बेहतरीन मैं बताऊँगा आपको उसमें। लेकिन नीचे आप कमेंट करेंगे, आपको अगर चाहिए तभी मैं बनाऊँगा, वरना अगर आप समझ गए हैं तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं है ना, टाइम पास क्यों करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? आलू का जो चिप्स होता है उसमें कौन सा गैस भरा होता है? देखो, जितने भी खाना खाद्य पदार्थ होते हैं ना, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है, रहता है। कौन सा गैस भरा होता है? नाइट्रोजन। तो इस नाइट्रोजन, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, ठीक है। कभी भी कोई भी चीज़ खाने वाला सामान हो, उसमें पूछा जाए कि उस डब्बे में क्या चीज़, कौन सा गैस पैक है, तो नाइट्रोजन आँख बंद करके मार देना है। क्या करना है? आँख बंद करना है और मार देना है। चलिए नंबर 9 देखते हैं। सिल्वर क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है AgCl, है ना, का रंग क्या होता है, ठीक है। तो जब भी सिल्वर की बात आए तो क्या करना है आपका, श्वेत, है ना, आप सिल्वर तो देखे होंगे, ठीक है। जब वो क्लोरीन से जब उसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं, है ना, तो कैसा कलर हो जाता है उसका, श्वेत हो जाता है, ठीक है। जब भी हम लोग क्या है, सिल्वर को क्लोरीन से जब भी हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, कलर श्वेत हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी सिल्वर का बात आ जाए और क्लोरीन से किया जाए तो श्वेत आँख बंद करके इसमें भी मार देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है, वो काफ़ी देखने में लंबा लग रहा है, लेकिन है काफ़ी इजी है ना, क्या है आपका, काफ़ी इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है। देखो, क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो बोल रहा है आपका, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, जो मैग्नीशियम है, है ना, मान लेते हैं कि मैग्नीशियम हमें है, उसका फीता है, ठीक है, उसके फीते को क्या किए हम लोग ने, जला दिए, ठीक है। जब जलाना स्टार्ट कर दिया उसको, है ना, तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, उसमें आग की लो उत्पन्न होती है। अब आग की लो क्या है, देखो आग की लो वही हो गया, जैसे कैंडल है ना, कैंडल जल रहा है तो वो क्या है, ठीक है, वही लो हो गया, तो आग की लो उत्पन्न होता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कैसा होता है, ठीक है, तो उत्पन्न आग की लौ होती है वो कैसा होता है, कलर पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो कैसा होता है आपका, चमकीला उजला होता है, कैसा होता है, चमकीला उजला होता है, ठीक है, मैग्नीशियम का बात हो रहा है ना, तो वो कैसा कलर होता है, चमकीला उजला, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्या बोल रहा है, ये हम लोग चेक करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी द्वि विस्थापन अभिक्रिया है? तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी, है ना, जिसमें ए में है H2+O2, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम जानेंगे कि द्वि विस्थापन क्या होता है, तो आप क्या है, आँख बंद करके नीचे टिक कर देंगे कि क्या होता है, ठीक है, द्वि विस्थापन क्या अभिक्रिया क्या होता है,
जिसमें क्या होता है, दो डबल आपको देखने को मिलेगा फॉर्मूला, क्या देखने के लिए मिलेगा आपको, डबल मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए पहला देखते हैं, इसमें डबल है लेकिन इस साइड क्या है, सिंगल है। इसमें भी डबल है, इस साइड क्या है, सिंगल है। इसमें भी डबल है लेकिन इस साइड क्या है, सिंगल है। लेकिन यहीं पर हमको एक देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, जिसमें द्वि विस्थापन है, नंबर सी, डबल देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डबल विस्थापन इसको नज़र आ रहा है, तो ये हो जाएगा अपना राइट आंसर, ठीक है। तो ये आँख बंद करके मारने वाला चीज़ था, है ना। यहाँ पर भी देखो दो इस साइड है ना, ठीक है, इस साइड देखना है हमने को, दो है या नहीं है, तो ये द्वि विस्थापन हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी। आपको पढ़ना ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं, बस द्वि विस्थापन देखना था, देख लिए। देखो बाकी सब में क्या है, सिंगल सिंगल है ना, इसमें भी सिंगल है, इसमें भी सिंगल है, इसमें भी सिंगल है, तो ये क्या है, ये नहीं होगा, द्वि विस्थापन जिसमें डबल हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखो लंबा चौड़ा समझा के कोई फायदा नहीं, आपको क्या है एग्जाम निकालना है ना, और ये एक नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, बस हमें देखना है कि काम चल जाए, क्योंकि ज़्यादा अगर लोड लेके रखोगे दिमाग में तो जो बनना चाहिए आपसे वो भी नहीं बनेगा, इसलिए ज़्यादा लोड मत लो, लाइटली लो, इजीली बनेगा, है ना। पहले क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो क्या बोल रहा है हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि जेड एन प्लस सी यू एस ओ फोर का जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा आता है जेड एन एस ओ फोर प्लस सी यू, ठीक है, यानी कि कॉपर। देखो इसमें एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, देखो इसमें एक चीज़ मैं बताने वाला आपको, जब भी आप देखोगे कि हम कोई भी किसी चीज़ को भी हम रिएक्शन करवाते हैं एक दूसरे से, है ना, तो उसमें क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देखो जैसे कि यहाँ जेड एन सी यू एस एफ फोर है, तो यहाँ इसके साथ कौन है, इसके साथ जेड एन के साथ कौन है, कोई नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं सी यू एस एफ फोर, सी यू के साथ कौन है, एस ओ फोर है, तो कॉपर के साथ जब हमारा एस ओ फोर है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये एस ओ फोर इसके साथ आ जाएगा, और अगर इसके साथ कोई है तो वो सी ओ के साथ चल जाएगा, लेकिन इसके साथ कोई नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, जेड एन क्या करेगा, इसको चुरा लेगा, है ना, इसको बोलेगा भैया तुम मेरे साथ आओ, ये जेड एन क्या बोलेगा, कि बोलेगा भैया तुम मेरे साथ आओ, आज से तुम मेरे साथ ही हो ना, तो इस ये क्या करेगा, एस ओ फोर से अपना संबंध बनाएगा, मतलब अपने साथ ले जाएगा उसको, ठीक है। उसके बाद वो कौन सा रिएक्शन बनाएगा, अपना खुद का अपना रिएक्शन बनाएगा, वो क्या है, जेड एन एस ओ फोर। और यहाँ कॉपर क्या हो जाएगा, बेचारा का क्या हो गया, इससे इसका फ्रेंड छीन लिया, तो वो बेचारा अकेले हो गया ना, वापस वो अपना अकेला सफ़र में निकल जाएगा, ठीक है। तो कभी भी ऐसा क्या हो जाएगा, आपका रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा, तो आप आसानी से इसको इस टाइप में सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखो क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पहले से आपका रिएक्शन दिया हुआ है ना, कि क्या उसको जब हम उसका रिएक्शन कराते हैं तो उसका क्या बनता है, ठीक है, वो पहले से दिया है। यहाँ पूछ रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये हो गया अपना राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपको चार ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, बी क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, या फिर सी कोई अभिक्रिया नहीं होती। देखो यहाँ पर लोह चूर्ण पर तनु क्लोराइड अम्ल डालते हैं तो कोई ना कोई तो अभिक्रिया होगी, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है आयरन लवण एवं जल बनता है, अब क्लोराइड है भाई तो जल कहाँ से बनेगा, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, गलत हो जाएगा, यानी कि अब 50-50 वाली बारी आ गई, या तो ये होगा या तो ये होगा, तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर ठीक से पढ़ते हैं, बोल रहा है लोह चूर्ण पर तनु क्लोराइड बनता है ना, तो हाइड्रोजन, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनता है प्लस आयरन क्लोराइड। अब देखो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन गैस तो बनेगा ही, क्लोराइड है तो क्लोराइड भी बनेगा, है ना, मतलब क्लोरीन तो आएगा ही ना, क्लोराइड है तो यानी क्लोरीन है, हाइड्रोजन है। यहाँ पर हम लोग को क्या क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ठीक है। अब यहाँ पर लोह चूर्ण है यानी कि Fe भी है ना, तो आयरन तो बनेगा ही। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन हम देखेंगे कि आयरन किसमें किसमें है, आयरन इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि दोनों पॉसिबिलिटी है। अब आते हैं हाइड्रोजन में, ठीक है, अब हाइड्रोजन इसमें भी है और हाइड्रोक्साइड इसमें क्या बन रहा है, हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है, हाइड्रोक्साइड, यानी कि यहाँ पर और एक चीज़ जो ऐड हो रहा है वो आपका है O2। अब यहाँ अब बात करते हैं यहाँ का, ठीक है, तीसरा का क्या है, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन इसमें भी है और इसमें क्या है, क्लोराइड है। देखो क्लोराइड बन सकता है और क्लोरीन भी बन सकता है, दोनों बन सकता है, लेकिन बात आ जाता है
ऑक्साइड का, तो भाई यहाँ पर O2 है नहीं तो ऑक्साइड कहाँ से बन जाएगा, है ना, ऊपर ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्साइड ऑक्साइड नहीं बनेगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है ना। तो देखो ये भी आँख बंद करके मार देना, गैल्विनीकरण, ठीक है। जब भी किसी को क्या है कोई भी लोहा में जब भी हम जिंक को लेपते हैं तो वो क्या होता है, गैल्विनीकरण होता है। क्या होता है, गैल्विनीकरण, ठीक है। संक्षारण मतलब ले देना, ठीक है, संक्षारण या पानी चढ़ाना। देखो पानी तो चढ़ ही नहीं रहा है, पानी से बचाना है तो पानी क्यों चढ़ेंगे भाई, है ना, तो पानी नहीं चढ़ा रहे हैं। विद्युत अपघटन तो बात ही मत करो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गैल्विनीकरण। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग क्या होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड का धुएं का जो रंग होता है वो क्या होता है, अपना भूरा कलर होता है। कौन सा कलर होता है, भूरा होता है, लाल हरा पीला नहीं होता है, ठीक है। धुएं का रंग क्या होता है, उसका भूरा होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड का, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं। जंग लगने की क्रिया को, जंग से बचाने की क्रिया नहीं, ठीक है। तो जंग लगने की क्रिया को बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं, संक्षारण, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब लोहे में जिंक का लेपन कर रहे थे तो क्या हो रहा था, अपना बताओ क्या हो रहा था, गैल्विनीकरण, है ना। और लेकिन अगर हम उसको बचा रहे हैं, जंग से बचा रहे हैं, तो होता है संक्षारण, ठीक है। और कैसे हम लोग बचाते हैं, उसमें जिंक का लेप लगा के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। देखो लोग कंफ्यूज किस में होते हैं, ठीक है, इसका तो बात ही मत करो। लोग ये तीनों कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, ये तीन ऑप्शन में दो ऑप्शन में ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं लोग। तो तीन ऑप्शन में होते हैं, लेकिन क्या होता है 50% लोग ये दो टो ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं। तो आपको ये नीचे कमेंट करके बताना है कि इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो ये आपके लिए रहा कि क्या है, इसमें से बुझा हुआ चूना क्या है, तो नीचे आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही में आप कहाँ से देख रहे हो हमारे वीडियो को, ये भी आपको कमेंट करके बताना है, ताकि पता चले कि कहाँ कहाँ से बच्चे मेरे वीडियो को देखते हैं। तो नीचे कमेंट करके आप अपना नाम और अपना एड्रेस ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो ज़रूर लाइक कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं, क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें कोई भी पदार्थ भाग लेता है तो उसे अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक, ठीक है। जो भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है ना, वो अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ। देखो अभिक्रिया तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है तो उसको भी दोबारा अभिक्रिया थोड़ी ना बोलेंगे, तो ये तो हटा दो, ठीक है। इनमें से सभी तो होगा नहीं भाई, ठीक है, ये दो चार ऑप्शन। अब प्रतिफल है, अभिकारक है, तो देखो अभिकारक ही होगा राइट आंसर, क्या होगा, अभिकारक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है Fe2O3+2Al को जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो Al2O3+2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो ये भी क्या है आपका, यहाँ पर देखो संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या फिर क्या है आपका वियोजन अभिक्रिया है, या फिर विस्थापन अभिक्रिया है। तो ये कौन सा अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है ना, कौन सा अभिक्रिया है, विस्थापन। देखो ठीक है, अब देखो हम लोग जब ऊपर पढ़े थे, है ना, ये कौन सा अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया, कौन सा है, विस्थापन, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है CuO+H2 को जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है Cu+H2O, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि जब भी कोई किसी से जुड़ा हो वो क्या करता है, जो अकेला रहता है वो उससे उसका साथी छीन लेता है। तो यहाँ H ने क्या किया, इससे ऑक्सीजन छीन लिया और खुद के साथ है ना जोड़ लिया। अब यहाँ पर कॉपर क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी इजी है ये भी कभी कभी पूछता है, क्या हो जाएगा, आपको पूछ देगा CuO+H2, बताओ इसका जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, है ना। तो आपको इसका बताना है कि कैसे बनेगा। तो आपको जस्ट अभी मैंने बताया कि कैसे बनता है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्या है, यहाँ पर अकेले कौन है, H2 है, और यहाँ साथ में कौन है, Cu और O है, ठीक है। यहाँ दोनों अलग है, CuO मत पढ़ देना कोई, Cu कॉपर अलग है, ऑक्सीजन अलग है ना।
अब यहाँ पर क्या होगा, ये इससे क्या करेगा, यहाँ से इसको चुरा लेगा और खुद का एक बनाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा, है ना। प्लस में क्या हो जाएगा आपका, Cu, है ना, क्या हो जाएगा, Cu आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, देखो ये उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, H2 पहले और ये बाद में भी लिख सकते हो, है ना। बस आपको अभिक्रिया बताना है कि कौन सा कैसे बनता है, अगर वो पूछेगा तब। फिलहाल यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कौन सा अभिक्रिया है ना, किस प्रकार की अभिक्रिया, तो इसको रेडॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला होगा वो क्या हो गया कि पूछा है इसमें अभिक्रिया कि कौन सा अभिक्रिया है, किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो ये चीज़ आप क्या करें, अपना चैप्टर में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि ये इसमें से क्या होते हैं, ज़्यादातर आपको पूछे जा रहे हैं ना। और आप नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को एक बार और देख लें, ताकि क्या होगा, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है वो सारे यहीं पर आपको मिलने जा रहे हैं, एग्ज़ाम में इससे बाहर आपको नहीं पूछने जा रहे हैं। तो आज का अपना चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ, ये हो गया चैप्टर 1 अपना, और चैप्टर 2 आपको जरूर नेक्स्ट आपको जल्दी मिलेगा। साथ में क्या है, आप अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।